हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्या सकते शॉर्ट। क्या सकते शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1G, और आज मुझे कराना है आपका नंबर सिस्टम का लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चंस, जो कि शुरू होता है आपका क्वेश्चन नंबर 16 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या कह रहा है कि इफ एक्स इज अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड एक्सपोनेंट्स आर रैशनल नंबर देन सिंपलीफाई। अगर x कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और जो इसके एक्सपोनेंट्स हैं वो रैशनल नंबर है, तो आपको सिंप्लीफाई करना है इस वैल्यू को। तो ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज़ करते हुए क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं, ये x के पावर b है और x के पावर c है, और इस पूरे के पावर देखिए ये वैल्यू लिखी हुई है। यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है कि यही शो कर रही है, जो पावर में वैल्यू है ये शो कर रही है कि ये जो है एक बार इस x के पावर में आएगा और एक बार इस x के पावर में आएगा, मतलब दोनों के पावर में आएगा, यानी कि दोनों जो पावर्स हैं उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये x के पावर p और यहाँ पे b प्लस सी माइनस ए, और यहाँ पे x के पावर c b प्लस सी माइनस ए। आप चाहिए तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे। नेक्स्ट है x के पावर c और ये c प्लस ए माइनस बी, और यहाँ से x के पावर a c प्लस ए माइनस बी। ये सारी वैल्यूज पावर में चल रही है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। a प्लस बी माइनस सी, पावर का मल्टीप्लीकेशन हमने कर दिया है अंदर, जो पावर्स दिए हुए हैं उसमें a प्लस बी माइनस सी। अब इसके बाद से क्या करना है, जो ये जो b है ना, इसका मल्टीप्लीकेशन इस ब्रैकेट में, c का इस ब्रैकेट में, मतलब सारे जो पावर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। करते हैं मल्टीप्लाई हम, तो हमें मिलेगा यहाँ से देखिए बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। अब माइनस ए बी लिख लो या बी सी लिख लो, सॉरी ए बी लिख लो या बी ए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की पावर ये हो गया बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ये पावर खत्म फिर ये वाला लेते हैं सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी अपॉन एक्स की पावर ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए। इधर पढ़ते हैं तो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी अपॉन आपका एक्स की पावर ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी। अब आपको मैंने जो क्या बताया है, आपका जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का रूल होता है, ये वैल्यूज अगर डिवाइड में लिखी हो तो जो अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऊपर जाके माइनस हो जाते हैं। तो क्या कर लेंगे हम, इन वैल्यूज को ऊपर ले जाके पावर से माइनस करा देंगे। तो या तो आप इसे दो स्टेप में कर लो या एक ही में फाइनलाइज कर लो। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं इस तरह से बता रही हूँ आपको। ये पहला हुआ माइनस, दोनों का बेस सेम था, पावर जाकर के ऊपर माइनस हो रहे हैं, तो माइनस के साथ ये सारे वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस ये बी सी माइनस मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो माइनस सी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस होता है बी सी। नेक्स्ट एक्स सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी, फिर माइनस मल्टीप्लाई प्लस में होगा माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए। फिर नेक्स्ट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। कैसे हुआ ये स्टेप, ये जो पावर्स हैं नीचे वाले ऊपर जाकर के सब माइनस हो गए हैं, तो माइनस हो गए हैं तो सबके साइंस चेंज हो गए हैं यहाँ, क्योंकि सब माइनस कर दिया मैंने ला करके। अब आपको जो रूल बताया है उसके अकॉर्डिंग अगर बेस सेम हो और नंबर्स क्या हैं जो आपके लॉज के अकॉर्डिंग अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके जो पावर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ से पावर हम ऐड कर लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। अच्छा देखो, अभी ऐड तो करना ही है, बट देखो पहले से ही कुछ वैल्यूज कट रही हैं, ये प्लस बी सी ये माइनस बी सी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल आउट हो गया, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल आउट हो गया। जो कट रहा था मैंने पहले ही उसे कट कर दिया, बाद में बिना मतलब का लेके चले कोई मतलब नहीं होता उसका। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर और प्लस ए सी प्लस ये वाली वैल्यू ऐड होंगी सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ये वाली वैल्यू ऐड होंगी ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। अब देखिए कुछ कट रहे हैं, प्लस बी सी माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी
प्लस ए सी और माइनस बी स्क्वायर होगी प्लस बी स्क्वायर। सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे कटती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई है एक्स के पावर जीरो, और आपको पता है एक्स के पावर जीरो की वैल्यू वन होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि आपका आंसर आ चुका है वन, और ये है आपका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 16 का। तो अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है इस 9 पावर एन मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 पावर माइनस एन बाई 2 का होल पावर माइनस 2 माइनस 27 पावर एन अपॉन 3 पावर 3 एम मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 3 इज इक्वल टू 1 बाई 27। आपको प्रूफ करना है कि एम माइनस एन इज इक्वल टू 1 होगा। तो हम शुरू करते हैं, यानी कि हमें ये दोनों पार्ट लेकर के एक साथ चलना पड़ेगा यहाँ पे। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं इसे। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और n पहले से ही पावर है तो n को यहाँ लिख लेंगे, हो गया 3 पावर 2 n, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 पावर माइनस n बाई 2 पहले से है, और ये पावर पहले से है, मतलब कि क्या हुआ माइनस n बाई 2 है, और ये वाला पावर आपका माइनस 2 पहले से है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। माइनस 27 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 3, और n पहले से है तो n यहाँ रहेगा, और 3 पावर 3 एम मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 27 को हम लिखते हैं 3 पावर। हम क्या करेंगे, यहाँ से बेस सेम है 3 3 3, ठीक है, लेकिन अभी पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 3 पावर 2 एम, और ये बेस सेम है तो मल्टीप्लाई के साथ पावर ऐड हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई 3 पावर माइनस माइनस प्लस एन माइनस 3 पावर 3 एम, और ये हो गया 3 पावर 3 एम मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 पावर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद जो वैल्यू हमारी आएगी वो क्या हो जाएगी, 3 पावर 2 एम प्लस 2 प्लस एम माइनस 3 पावर पावर 3 एम मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 पावर 3। इतना होने के बाद से अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करके, तो ये होगा आपका 2 एम प्लस 3 एम हो गया 3 पावर 3 एम प्लस 2 हुआ 3 पावर 3 एम प्लस 2 हुआ। तो यहाँ से आपको ये वैल्यू पहले नोट कर देते हैं, 3 पावर 3 एम मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 पावर 3। इसके बाद से हम इधर करते हैं, इससे देखिए जब बेस सेम होता है बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम उसे ऐड कर लेते हैं, लेकिन जब प्लस हुआ है दैट मीन्स कि ये पहले 3 की पावर 2 रहा होगा, इसे हम ब्रेक करके अगर लिखें तो ये 3 पावर 3 एम मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 2 होगा, और माइनस 3 पावर 3 एम 3 पावर 3 एम माइनस सॉरी माइनस नहीं है मल्टीप्लाई 2 पावर 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 पावर 3 पावर 3 एम। हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 पावर 3 एम माइनस 2 पावर 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 पावर। आपको जो शो करना है वो है m माइनस n इज इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद से हम क्या कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी 3 पावर 3 n, और इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 9 माइनस 1 यानी कि 8 हो गया, ये 9 माइनस 1 हुआ ना 3 का स्क्वायर, एक स्टेप और बढ़ा ही देते हैं, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर इसे करना हो तो ये 3 पावर 3 एम, ये भी 3 है ना, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3 एम, और ये हो गया 8, और ये 2 पावर 3 क्या हो गया 8 हो गया, और ये जो है 1 अपॉन 3 पावर 3, 3 पावर 3 ऊपर जाएगा तो 3 के पावर माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये 8 और ये 8 कट गया, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई 3 पावर 3 एम माइनस 3 एम पावर माइनस 3। दोनों के बेस सेम है दैट मीन्स हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं, और जब कंपेयर करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3 एम माइनस 3 एम इज इक्वल
इक्वल टू माइनस थ्री। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, आई होप कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, नीचे अगर नहीं दिख रहा है तो इसे मैं यहाँ लिखती हूँ। थ्री कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आप ये देखिए हमें पहले m चाहिए बाद में n चाहिए, और यहाँ पहले n है बाद में m है, तो हम क्या करेंगे फिर इंटरचेंज कर लेंगे, इसको इधर लाएंगे इसको इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा 3m माइनस 3n इज इक्वल टू 3। अब 3 कॉमन ले लेंगे तो m माइनस n इज इक्वल टू 3 बचेगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो m माइनस n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यही आपको प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 17 में। इस तरह से करेंगे हम प्रूफ। देखिए यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ चुकी है आपकी m माइनस n इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। तो अब हम देख लेते हैं आपके इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, राइट द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज दी हुई है और आपको कह रहा है इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, क्योंकि सिंपल से नंबर होते हैं अगर, तो उन्हें हम देख लेते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में, तो पता ही होगा ना आपको, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है, इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखना है। तो अब इसमें सबसे छोटा कौन है ये पहचान पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने आपको बताया था अंडर रूट में अगर किसी के ऊपर अगर 6 लिखा हुआ है, इस तरह से 5 लिखा है, 4 लिखा है, दैट मीन्स कि वो ये शो करता है कि वो उस वैल्यू पे 1/6 है या 1/5 है या 1/4 है। जैसे कि ये पहली वाली जो वैल्यू आपकी लिखी हुई है ना, इस तरह से 6 के ऊपर लिखा है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये ध्यान देना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लिखा है 6 की पावर 1/6। अगर यहाँ 3 लिखा है और 7 लिखा है, दैट मीन्स कि ये लिखा है 7 की पावर 1/3। अगर यहाँ पे 4 लिखा है और ये 8 लिखा है, दैट मीन्स ये है 8 की पावर 1/4। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, हमने जो पावर यहाँ पे लगाई है हमें उसका एलसीएम लेना होता है। एलसीएम देखिए क्या आ रहा है, एलसीएम ऑफ 6 3 4। ठीक है, आप यहाँ निकाल लो 6 3 4, 2 से कट जाएगा, देखिए 3 6 होता है और ये 3 और ये 2, अगेन ये 2 से जाएगा और फिर ये 3 से चला जाएगा 1 1 1, यानी कि ये 12 हो गया। तो इसका एलसीएम 12 आ गया है, दैट मीन्स कि अब आपको ये करना है, अगर आप इन सबका बेस यानी कि जो पावर है ना, पावर का जो आपका जो डिनोमिनेटर है, अगर आप सबको इक्वल कर दें यानी कि एक बराबर ला दें, और वो एक बराबर नंबर कौन सा होगा, 12 होगा, तो हमें इसे करने में आसानी हो सकती है। अब देखिए 6 की पावर 1/6 था आपके पास, हम 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लिकेशन कर दें कि हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है वो 12 मिल जाए। 6 2 12 होता है, दैट मीन्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, हो गया 7 की पावर 1/3। हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 12 लाना है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, 4, तो 4 को मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, 8 के पावर 1/4 है, मल्टीप्लाई हमें डिनोमिनेटर में 12 लाना है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, ये हो जाएगा 6 बाय स्क्वायर पावर 1/12, 1 अपॉन 6 टू जब 12, और ये जो स्क्वायर बच गया वो हमने इसके ऊपर लगा दिया है। ठीक है, इसी तरह से 7 के पावर 4, और ये हुआ 1/12 पावर, 8 के पावर 3, और ये हुआ आपका 1/12। सॉल्व कर लीजिए, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 1/12, यहाँ से 7 पावर 4। अब 7 पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिखते हैं 2 4 0 1। 7 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आती है, और जब 8 का मल्टीप्लिकेशन हम 3 बार करते हैं तो 8 8 जब 64 होता है, और फिर दोबारा जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 512, और ये 1/12। ये पूरे पावर्स इक्वल हो चुके हैं, दैट मीन्स कि अब अगर आप इसे लिखना चाहो तो अंडर रूट 36 में और फिर यहाँ पे जो है पावर जो है 12 हो जाएगा, यानी कि सारी वैल्यूज अब एक सेम फॉर्म में आ चुकी है। अब आप इसे लिख सकते हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या कोई भी ऑर्डर पूछे तो, आपसे इंक्रीजिंग पूछा गया है यानी कि असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे छोटा कौन सा है 36 पावर 1/12, उससे बड़ा 512 1/12, और उसके बाद से 2 4 0 1 और पावर 1/12। अब इसे आपको लाना है इस फॉर्म में, बिकॉज आपने तो क्वेश्चन ये पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आप पुट कर लीजिए। 36 वाला कौन सा है, अंडर रूट 6, और ये 512 वाला कौन सा है,
ऑर्डर और इस तरह से हम करेंगे, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसे सॉल्व। तो फ्रेंड्स ये हो गया है आपका चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का फुल सॉल्यूशन। यहाँ पे ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये चैप्टर समझ